रबर रोटी का टीना बनाई बाल कोई बोलो बने गए उतले उन्हें पिताजी मैं खेत में जा रहा, टाइम सा लगे तो तुम भी आ जाइयो। आज हमारा ओस रहा है खेत में पानी चलाना। तू तो बड़ा आसान से दिखा रहा, चल आज मैं रोटी खा गया, ट्रैक्टर ले जाता है। ठीक है पिताजी। अरे मैं उसमें वो काट लेता टीलर। ठीक है पिताजी। अच्छा पिताजी मैं चला काम पे। खा ली जी। ए पटाकू एक मिनट बैठ। जी पिताजी। आज कहाँ के नाम का पन्या? पिताजी मैं डिग्री निकलवा यूनिवर्सिटी जा रहा। लिकेट तो जागी नूर, बता दे किस टाइम लगा। पता ना कितना टाइम लग जावे, लगने को 2 घंटे भी लग सके और भीड़ हुई तो शाम भी हो सके। मैं तो नूर रोटी खाता जाता ना, भूखा सट जाएगा वहां से। पिताजी मैं वही खा लूंगा कुछ, मैं तो चलू। चला जा, समोसे तो खाइए ना, केले कड़े खा लीजिए। ठीक है पिताजी। ठीक है। हाँ स्वीटी, ए स्वीटी कहाँ रहेगी? आजा, मैं लेट हो रहा। फिर भैया आप तो स्कूल में जाओगे, 10-15 मिनट लेट भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आपको कौन नौकरी से निकाल रहा? सरकारी नौकरी है तो लेट थोड़ा जाऊंगा, अगर टीचर ही स्कूल में लेट जाएंगे तो बच्चे तो खुद ही लेट आएंगे। हाँ सही कह रहे हो भैया, अगर मैं भी कंपनी में लेट जाऊँ तो मुझे भी बहुत डांट पड़े है। अच्छा चल जल्दी, तन्ने बातों में और लेट करवा दिया 5 मिनट। बासी भी ताल किसी किसी किया हुआ है, 70 बीघे के सिरहाने आई हुए है। हाँ भाई आ लिया पिताजी। मैं तो आ लिया, मुड्ढे में चल रहा पानी। हाँ भर गया ना? अभी ना भरा, रह रहा थोड़ा सा। मैं नू कहूं तो जाए, यूं ही सूखन लग रहा है, इसमें खोल ले पहले। पहले उसे तो भर जान दो, पहले इसमें खाद गिरना, उसके बाद भरूंगा इसे। फिर गिरे ना खाद? खाद गिरेगा? गिरूंगा, उसमें पानी चला रहा था। ठीक है इसमें खाद गिर ले। पिताजी मैं यूं कहूं था पानी तो चला लूंगा मैं इसमें, पर विजय के लिए भी कोई रिश्ता देख लो। अरे हो जाएगा ब्याह, कहाँ भाग रहा हो? मैंने कहूँ वो 2 रब से जाना है, कहीं लाग लुग जाएगा, खेती बैठी ना उस पर। लग जाएगी नौकरी भी, ब्याह के बाद क्यों नौकरी नहीं कर सकता? ब्याह कर लो पहले उसका। हंगा मेरी कर देगा कहीं तो, पता तो देखी थी उसके नाम की एक छोरी, जब उसकी समझ में ना आई। अरे और था मेरा थोड़े से दिन लगेगी, लग जाएगी ना, तो उसकी हम अम्मी सी तो लिखेट लेगी। पिताजी एक ही लड़की है के, और भी तो लड़की है, और देख लो। और देख लेंगे, पर उसकी समझ में नहीं आया। वो रे आई लेवल का मान रहा अपने आप को, अब जन तू तो पता नहीं के तुर्रम कहाँ है। तो एक बात बताऊं, माप जान वाला और फिर उसका ब्याह हो जाएगा। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, माप जा जाएगा जब देखेंगे कहीं से। और हो रही ठीक ठाक, तू जाके पानी देख ले क्या भर गया होगा। जाने मेरे यार यहाँ बैठा। ठीक है जा रहा हूँ। हाँ खोल दे रही इसमें, आग लाग रही सारे खेत में। यू कह रहे इसके नाम की लोंजी ढूंढते, देख नहीं रहा कितना बड़ा ऊंट होगा, इसके नाम की कहां तक ढूंढ के देंगे, इसके गुड्डे पड़ेंगे, मैं जा देंगे तो कटवाएंगे। आगे मैं जी पिताजी। ये रहा तेरी डिग्री सी का? भीड़ गनी थी पिताजी, नू कह रहे थे कि हम पोस्ट कर देंगे। मैंने गुजरा पास भी हो गया, सारे नंबर मीठे मिठाई से ही है। तुम कह रहे पिताजी नंबर मीठ रहे? नंबर ना मीठ रहे, पूरा जिला टॉप करा, और कल सुबह देख लियो अखबार में मेरा नाम आऊंगा,
विजय सन ऑफ हरपाल सिंह। यू काम तो बहुत बढ़िया कर दिया टॉप कर। के बात है, कुछ कहना सोच रहे आगे? पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बता, क्या बात करनी? पिताजी मैं बाहर जाके अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा। तू बिजनेस कर ही नहीं सकता, रो के कह रहा पिताजी मैं बिजनेस करना चाहूँ। वो जा बिजनेस, अरे सरकारी नौकरी की कर ले तैयारी, लाग लुक जाएगी तुम, यही बतेरा बिजनेस है, थोड़ा का काम घर का। पिताजी मैं बंद का काम ना कर सकता, नौकरी वालों की भी कोई जिंदगी है, सुबह जाओ शाम को आओ, तो मेरे बस की ना यो काम करना। पिताजी पूरी जिंदगी नहीं चलता रहेगा, अब मेरे पे ना होने की नौकरी पोकरी, मैं तो मालिक बन के काम करना चाहूं। यह बात है मेरी समझ से निरोल बार, अपना नौकरी की तैयारी कर ले, कदे तजे भी मालिक बना दे, सुन गया? एक बात बताऊं, लत्ते बदल के खेत में मर जा, कदे भी मालिक बना दू, मालिक बनागा यू। पिताजी तुमने वो बात सुनी के? कौन सी? उनका रामनाथर का बंटवारा होने लग रहा। अच्छा हाँ, हो गया, सुनी तुमने? अच्छा तुम भी करोगे? नहीं। पिताजी क्या सोचा तुमने, मैं जाऊं या ना जाऊं? पिताजी कहाँ जाने कह रहा हो? नरेश जा रहा शहर में, ये खोल रहा टेलीकॉम कंपनी, ये तुम पूछ लो आगे क्यों कर करो, बतला लो आपस में। पिताजी ये तो बढ़िया बात है, जा रहा तो जान दो, खोल लेन दो कंपनी, जा तो रहा तू, पर यू बता यू टेलीकॉम कंपनी क्यों है? भाई यू थारी समझ में ना आवे, यू ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा ये तो बढ़िया बात है, पर यू तो बता पैसे कहाँ से आओगे? तुम पैसों की चिंता ना करो, मेरी लोन की बात हो रही। देख भाई तेरी समझ में आ जा, मेरी तो बी आई सलाह है, बिजनेस का कुछ पता नहीं, के घाटा न फर है जा, तू अपना नौकरी की कर ले तैयारी। पिताजी मैंने तो मैं बताया था मैं नौकरी नहीं करना चाहता। भाई पिताजी सही कह रहे, परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए, पर जब तेरी इच्छा तो कर ले बिजनेस, पर जो भी करे सोच समझ के करिए। भाई तुम चिंता ना करो, मुझे इस काम की पूरी नॉलेज है। ओ भाई तू इसे कर लेने दे, मालिक बन लेने दे, इसका लिकट लेगा वो मासा, कर ले। गया था बैंक में? हाँ पिताजी गया था। आया कोई अन्ना भाई? दो पर्चों का पेमेंट आया। अच्छा चलो भाई, खर्चा भी ना चले इसमें तो। तड़के एक काम कर, पहले इसकी ट्रैक्टर की सर्विस जा करवा के। ठीक है पिताजी, कल को करवा लूंगा इसकी सर्विस। हाँ करवा दे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते भाई, आ लिया? हाँ जी। ये लो मेरी तनख्वाह। चल ठीक, तुम्हें कुछ खर्चा पानी चाहता हो तो बता दिया ना। पिताजी जब जरूरत पड़ेगी थारे से ले लेंगे। अरे बीड़ी माचिस के चाहते हो तो बता दिए ना पिताजी। ताजा भाई। पिताजी मेरे तो कपड़े बनने हैं, तभी बनवा दियो। चल ठीक है, तेरे लत्ते छिमवा देंगे। ये भाई थारे दोनों भाइयों के मेरे पे 50,000 रुपये। पिताजी कैसी बात कर रहे तुम, मारे का एक होते ये पैसे थारे ही हैं। पिताजी एक बात बताओ, इन पैसों को मारे कह के तुम हमें न्यारे कर रहे? अरे मैं न्यारे क्यों करता, ये पीछे थारे हैं, थारे रहेंगे, जीप चांगे ले लिए। राम राम। आजा आजा। मामा राम राम, बैठो जा कुर्सी लिया। इब्बी छपरौली वाली बस पे लग रहा, कहीं और जा लग गया। मैं खुद तो जी कह रहा, मैं वो ट्रक चला रहा, वही बस ही चला रहा। अरे जीजा मैं चलाऊं श्यामली वाली रेल जो तन्ने छुड़वा रखी, ऐसी बात करे तू भी। अरे मैं तेन पूछ रहा कुछ कर दे रहा, धक्के अंडे खाता। धक्के ना खा रहा, घर का जो काम है वो करूं। मैं तेन पूछ रहा मगर काम के टाइम पे कहाँ से लिख दिया, तू मानस की दुकान थी फुर्सत में तू अंडे। अरे जीजा तेरी याद आ गई, सोचा बाणजो का भी पता ले हूं। अरे जीजा मुझे तो बहुत जोर पड़ा, थारी न्यारे साजे की बात चल रही थी, मैं भी सुनी, के मामला है?
मैं को न्यारे होने वाली बात तो तुझे मंत्र थी सुनी थी। कोई न्यारा नहीं हो रहा, उसकी तो तनखाई थी, तनखा दी। यू दो पर्ची का पेमेंट लिया था, मैं पकड़ा दिया। मैं इन्होंने कह रहा कुछ खर्चे पानी को चाहता हो तो ले लो, पर ले ही नहीं रहा कोई से भी फुटे मुँह का। अच्छा यह बात थी। नमस्ते नमस्ते अनीता, मामा जी के लिए पानी लिया। और बेटा कैसा लोगी तुझे चक्रेली बड़ी व्यस्त है इनकी। पर भी मजाक करने की आदत गई नहीं। मजाक दो मामा जी पानी पियो। पिताजी पैसे वो कह रही बाजार में जाना। पैसे ना अठा के मैं जिम में कहूं जिम तो तुम लेते नहीं, ये पैसे मांग रहे हो। पिताजी अनीता कह रही कि देखता हूं बता। दे दो जितने देते हो। तू भी बता। बताया नहीं रहा ढंग में। ले चल तू भी ले 1500। देख रहा मैं एक्सिंग पीले पीले पानी पीले नू कर तेरे बाण दे। पहले तो मेरे हाथ में दे देने लगे सारे पीछे, और फिर इनकी हिम्मत नहीं कहने की, ये कहें तो जीते को तेरे मांग ले। बता भाई, एक तो इसके बालक हैं, सारे पैसे ला के इसे दे दे, और एक मेरे नालायक हैं, आज ही साड़ों ने घर से बाहर काट दिया मुझे। या तो इनकी बहुत बढ़िया बात है। अरे मैं को कहाँ खो गया, घरों सब ठीक ठाक तो है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ ना है। मैं को मुझे लगे तू बस बस पता हटा दिया दिखा। अरे जीजा ऐसी कोई बात ना। चल भाई। मम्मा राम राम। राम राम। पिताजी मैं तो चलू। चल ठीक है चले जा। हम तो तेरे घर आए, तू बैग ठा के चल दिया, कहाँ जा? जान की सुन ले, मैं को शहर में कह रहा जान को मुको अपनी टेलीकॉम कंपनी खोल लू। हमने भी कह दिया जा खोल दे। नू कह माली की बन के काम करूंगा, वहां चल भाई माली की बन ले। ये तो बहुत खुशी की बात है। बता भाई, एक इसके बालक हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और एक मेरे हैं घर का 70 काम करवा मैं, झाड़ू पोछा खेत का। मैं को तू के टावर से भूल जा, थोड़ी थोड़ी बार में पता नहीं मुंह से पकड़ के बैठ जा। जीजा ऐसा कुछ ना है। और इससे भी ज्यादा खुशी की एक बात और भी है। वह क्या है? इसने पढ़ने में जिला भी टॉप कर रखा, आज के अखबार में आ रही, पढ़ी होगी ना? मैं तो ना पढ़ी, बहुत खुशी की बात है। अच्छा पिताजी मैं तो चलो। चल लेकर हम का ना। और तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मम्मा के लिए चाय पानी बनाओ कुछ। मैं को मैनू को ना ले। हेलो पिताजी, घर आ जाओ, अब ना झगड़ने के। हम घर से काटा तो तुम नहीं था, अब ना आता मैं। पिताजी लोग बाग के कहेंगे तुम बुआ जी के घर पड़े। जब ख्याल ना आया, जब तेरी बहू कपड़े भी ना धोवे थी, रोटी भी ना देती मुझे, सारा काम करवावे थी घर का, कुत्ते जैसी हालत बना दी मेरी। पिताजी वा मन ने समझा दी, इब ना करने की वैसा। मैं ना आता घर। जब तो मेरी नाक में दम कर दिया, अरे बुला रे। कैसा उदास सी बैठी, आज कंपनी नहीं जाना क्या? अरे आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है। भैया अब तो मेरी सारी छुट्टी है। क्यों क्या हुआ? भैया हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। क्यों? भैया वो हमारी कंपनी से TRP लीक हो गई थी। तो फिर तेरी तनख्वाह का क्या होगा? कल सभी का एक साल तक का हिसाब कर दिया गया। अच्छा इसलिए उदास है तू, और कंपनी भी तो है, वहां ट्राई कर लिए। छोड़ क्यों किसी कंपनी के चक्कर में पड़े, हमारा कौन सा कोई कमी है? भैया मैं घर में रह के क्या करूंगी, जॉब तो आखिर मुझे करनी है। कोई बात नहीं,
तो कल को किसी और कंपनी में जाकर ट्राई कर लिए। ठीक है भैया। अब तू एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। एक हाथ का कट्टा लाना था, चलो पिताजी से ले लूंगा पैसे। अरे नरेश आ जाओ। मामा जी आगे भाई, और बता क्या कमा खा रहे हो? मामा जी कमा खा के रहे, हमारा तो खेती बाड़ी का काम है, उसी में लगे रहे। बहुत बढ़िया भाई। मामा जी चाय बना के लाऊं? ना चाय की कोई जरूरत ना भाई। कुछ जोड़ भी रहे या नहीं चल रहा? हमें के जोड़ना मामा जी, सारा हिसाब किताब पिताजी के पास रहे, हम क्यों टेंशन ले, जब पैसे चाहो पिताजी से मांग ले। भाई ये तो तुम गलत कर रहे, इसके जीते पूछ के देख, इसे किसी सामान की जरूरत पड़े तो मांगना पड़े। अगर थारे पास पैसे होते तो मांगने की जरूरत ही ना पड़े। मामा जी मांगने से घट थोड़ी जाएंगे हम, है तो हमारा ही घर। नरेश तू तो घटता नहीं मांगने पे, अगर बहु को कोई चीज चाह ना आधी आनी मांगती भी नहीं होगी, क्यों बहु? हाँ मम्मा जी तुम ठीक कह रहे, मैंने इन्हें कितनी बार कह ली तुम अलग हो जाओ, पर ये मानते नहीं मेरी। अरे तू पागल हो रही के, परिवार नहीं बिगाड़े करते? तू किस परिवार की बात कर रहा, कमावे तो तू और ऐश ये कर रहे। तो क्या हो गया, है तो मेरे भाई, सुरेश भी कमावे, वो अपनी सारी कमाई पिताजी को तो दे। सुरेश तो कमावे 35,000 रुपए और तू लाखों कमावे, आगे तेरे भी बालक होंगे, कैसे काम चलेगा? मम्मा जी इनकी समझ में ना आने की, विजय की पढ़ाई में भी तो हम नहीं लगाए पैसे, वो चलता बना यूँ कह रहा था अपना बिजनेस खोल लूंगा, हमें क्या देवेगा पैसे? देख भाई मेरा तो समझाने का फर्ज था, न्यारे हो जाओ मौज लो मौज। तुम कर लो पिताजी से बात। अरे है क्या सुरेश? हाँ मम्मा जी आ जाओ। अरे क्या चल रहा भाई? बस अपने तो नौकरी चल रही मम्मा जी। शरबत बना के लाओ मम्मा जी। नहीं मैं तो चाय पी के आया नरेश के पास से। नरेश के पास से क्या बात हुई? कुछ ना परेशान से हो रहे थे, उन्हें समझा के आया। समझा गए क्यों, क्या बात होगी? अरे वे यूं कह रहे थे हम न्यारे हुए। न्यारे हुए? हाँ अनीता नू कह रही थी कि सारा काम घर का मैं करूं और गुंजन कुछ भी ना करती, और नरेश तो नू भी कह रहा था कि खेती तो सारी मैं देखूं, खर्चे को पैसे मिले हैं बस, और वे दोनों मौजूद आ रहे। नहीं मम्मा जी नरेश ऐसे नहीं कह सकता। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा, जो बात मेरे सामने आई वो बता दी मन्ने? दीदी तो झूठ बोल रही, घर का सारा काम मैं करूं, रोटी बनाऊं कपड़े धोऊं और दीदी तो बस खाना परोसा। अरे यही बात ना है, अनीता तो नू भी कह रही थी कि अपने पति की तनख्वाह में तो आधे पैसे घर भेज जाए, मिले तो 70,000 और हमें बतावे 35,000। देख लो जी मैंने कहा था साजे में रहने से काम ना चलने का, अब सुन लो के बात आ रही। मैं इस बारे में पिताजी से बात करूंगा। बात के करनी, अपना हिस्सा मांग, न्यारा हो जा, कब तक इनका पेट भरेगा? पिताजी एक बात सी करनी थी। पीछे चाहते हूँ ना पैसे न चाहिए। फिर बताता किनों की बात है। पिताजी हमारी जमीन जायदाद का क्या हिसाब किताब है? अच्छा हिसाब किताब पूछ रहा, बस समझा मुझे क्या बात है। पिताजी मान लो अगर तुम जमीन जायदाद बांटना चाहो तो कैसे बांटोगे? अच्छा यही बात है बस, मगर कुछ फर्क आ गया कि दोनों भाइयों में? नहीं पिताजी ऐसी कोई बात ना। क्यों गोली दे रहा, फिर यह बंटवारे वाली बात कहाँ था तेरी समझ में? पिताजी मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, एक दिन तो बंटवारा होना ही है। बात तो है कुछ, पर तू बता ही नहीं सोच रहा। पिताजी सोच लियो, जितनी जल्दी बंटवारा हो जा वही ठीक रहेगा। दो पर्चों का पेमेंट आया। कि भाई थारे दोनों भाइयों के मेरे पे 50,000 रुपए।
पिताजी कैसी बात कर रहे तुम? मारे का कुत्ते ये पैसे था रही है। पिताजी एक बात बताओ, इन पैसों को मारे कह के तुम हमें न्यारे कर रहे? सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। अरे ये तो रिज्यूम है। हाँ, मैं जॉब की सर्च में जा रही थी। अच्छा, वैसे किस जॉब के लिए जा रही हो? मैंने आईटी का डिप्लोमा किया हुआ है, उसी के लिए जा रही थी। अच्छा, तो ये समझो कि तुम्हारी जॉब लग गई। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये है, मैंने अपनी टेलीकॉम की कंपनी लगाई है और मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है। अच्छा, ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, कल से ज्वाइन कर लो तुम। सर, आपने तो कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया। इंटरव्यू से कुछ नहीं होता, आदमी देखा जाता है वो काम कर लेगा या नहीं। थैंक यू सर। कल टाइम से आ जाना। पिताजी, अब इस घर में हमारा बजने बजने का ये हमारा हिस्सा हमें दो और हम अलग करो। हिस्सा मिल जाएगा, इससे की कोई दिक्कत नहीं है। कल वो मांग रहा था हिस्सा, आज तू मांग रहा। पर नू तो बता दे बात के हुई। काम तो सारा मैं कर रही हूँ, नाम कर रही है वो अपना। कौन? वो अनीता दीदी। तुम्हें बता कौन रहा ये बात? पर इन छोटी छोटी बात तू पे और दे दो हमारा हिस्सा। किसने शिकायत दी है, किसकी मान रहे सीख? पिताजी हम नहीं माने किसी की भी सीख, 100 का तोड़ एक है, हम अलग कर दो ही बस। जिसको सींचा खून से अपने और ईंट से ईंट मिलाई और ईंट से ईंट मिलाई आज वही ऐसी सीख बनाई जो घर की ईंट ते ईंट बजा दे ऐसी सीख बनाई। जीजा हरपाल ने सुरेश के ब्याह में मेरी बहुत बेइज्जती करी थी। नू कहता तेरे जैसा नीच आदमी कभी भी ना देखा, नीच पढ़ना तो मैं अब दिखाऊंगा। हेलो। हेलो मम्मा जी। नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे नरेश, कहाँ तक पहुंची बात? मम्मा जी, मैंने पिताजी से बात करी थी। अरे बात करने तक कुछ ना होता, जो भी करना जल्दी कर, नहीं तो सुरेश नू कह रहा था जो पिताजी के पास पैसे रखे हैं वो सारे मेरी तनख्वाह के हैं। अच्छा मम्मा जी, पैसे तो मेरे भी हैं। देख ले भाई, मैं तो तेरा भला चाहूँ, इस मारो तेरे द्वारा फोन कर लूँ, और नहीं तो वे दोनों भी हैं,
उनके पास तो ना करता मैं फोन। ठीक है मामा जी, मैं जल्दी ही कुछ करूं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक को तो कर दिया सेट, अब दूसरे का मिला के देखूं। हेलो मामा जी, नमस्ते। नमस्ते को तो छोड़, सारी प्रॉपर्टी नरेश हड़पने के चक्कर में है। क्यों, क्या हुआ मामा जी? अभी थोड़ी देरी पहले उसका फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? नू कह रहा था सारे काम तो खेत के मैं ही करूँ और सारा काम मैं देखूँ और सारे खेत मैं ही लूँगा और मकान में भी हिस्सा मैं ही लूँगा। ठीक है, मैं पिताजी से आज ही बात करूँगा। अब हरपाल को पता चलेगा नीच कौन है। नरेश और सुरेश दोनों में हवा भर दी मन्ने, ऐसा बीज बो दिया कि बंटवारा होके ही रहेगा, सारा मूंड पकड़ कर होगा। स्वीटी, के ड्रामा था यो? भैया, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसके मालिक है ये। पैदल ना आ सकती या ई रिक्शा करके आ जाती? भैया, बात क्या हुई ये तो बताओ। किसी गैर आदमी का आना मुझे घर में पसंद नहीं है और आज के बाद ऐसा होना जा। ठीक है भैया। और नहीं तो नौकरी छोड़, हमें ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है, और घर बैठ जा। स्वीटी, स्वीटी। सर, आप यहाँ? हाँ, तुम तो आई नहीं आज। मैंने सोचा कभी बीमार हो इसलिए मैं ही घर आ गया। मैंने तुझे कहा था ना घर में गैर आदमी का आना मुझे पसंद नहीं है, देख करने लगा ना तेरा पीछा। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हो, हमारा भी घर परिवार है, हम भी इज्जतदार आदमी है। वो तो दिख रहा है तुम कितने इज्जतदार आदमी हो, अकेली लड़की को देख के उसका फायदा उठाना चाह रहे हो तुम। फायदा? फायदा उठाना होता तो मैं इसका कंपनी में भी उठा सकूं था। मैं तो इसलिए आया कि ये हमारी कंपनी की बेस्ट इम्प्लॉई है और बहुत मेहनत से काम करती है। ये आज कंपनी नहीं आई, मैंने सोचा कभी बीमार हो तो मैं इसका पता लेने के लिए घर आ गया। ले लिया पता, अब अपने घर जाओ और ये कल से ऑफिस नहीं आएगी। इतना बढ़िया काम चल रहा था, पता नहीं के दिमाग में आई तो बंटन का तगड़ा हो रहा सारे ऊपर। एक बात समझ में इनकी आवे नहीं, दो वहां रह ले एक यहाँ रह ले, पर दिक्कत तो एक है, तीन तिहाई करेंगे बेटी 14 सारे। बस मनने मुन्ने तो है नहीं, पर फिर भी एक बार देख ली उन्हें पूछ कर। अरे नरेश, सुरेश, अरे सुनो के कोई चा। हाँ पिताजी। ले ले वो कहाँ रहो सुरेश। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, एक बात आवे के समझ में। हाँ पिताजी बताओ। हाँ मैं नरेश, जो मन ने एक बात कहूँ, तूर भी जो घरू रह लियो वहाँ एक का छावा तो रहा बन, एक का बनवा देंगे, यहाँ यू रह लेगा, बता भाई। देख लो पिताजी जैसे करते हो। पिताजी मैं यहाँ कैसे रह लूँगा? यहाँ दिक्कत बता के यार। पिताजी वो बाहर का घेर है और यो अकेली कैसे करेगी, यहाँ डांगा डोरू बंद रहे और ऊपर से वो पेट से भी है। मैं नौकरी करूँगा या डांगा डोरू तो कुआ जैसे तो कुआ में पेट से ते बताया भी ना, गहरी मान रहा, इतना बगल मान लिया। पिताजी हम तो बताने वाले थे। बताने का ढंग है ये,
खरे दिमाग में चल जाए बस बंटवारा, मजा कहाँ रहना, उनसे कहाँ रहना। अरे ढंग से बताता। और तू एक काम कर, चल छोड़, तू घर ही रह, विजय रह लेगा भाई, तुम दोनों रहो। ठीक है पिताजी, जैसी थारी मर्जी, विजय से पूछ लियो, विजय ना रहेगा तो मैं रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ना। यहाँ कहोगे यहाँ रह लूंगा, वहां कहोगे वहां रह लूंगा। ठीक है, आगे थारी सी मिलना, पर बंटवारा होगा जीव जीव नुंगला अद्धा हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना। कैसी हो स्वीटी? ठीक हूँ, आप बताओ। स्वीटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? जब से तुम हमारी कंपनी में आई हो ना, तो हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। फिर? स्वीटी मैं तुमसे शादी करना चाहूँ, दोनों मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर भैया नहीं मानेंगे, तुम्हें भैया से बात करनी पड़ेगी। चलो तो अभी कर लेते हैं बात। मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले ही पता था ये बात यहाँ तक आएगी। अमित भाई, फिर आपका क्या फैसला है? मेरा कोई फैसला नहीं है, अगर स्वीटी राजी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता स्वीटी, तू क्या कहवे? तो फिर करो तैयारी। जी। पिताजी राम राम। कौन है रे? पिताजी या स्वीटी है? अरे स्वीटी तो सुन लिया, पर है कौन नु बुझू मैं तेरे ते? हम दोनों ने शादी कर ली, या थारी बहू है? बब्बा बिजनेस मैन, ते भी झटका ठाडा ही दिया, यहाँ तो झटके पे झटके मिल रहे मजे, तुझे शर्म नहीं आई? तू तो कहता नाम रोशन करूंगा, यू ही नाम रोशन करवाना था आगे तेरे पे, एक तो मालिक हो गए ना, ते सुनी कदी मेरी, बिजनेस मैन बनूंगा, अबे बिजनेस का कोई पाड़ा तेरे पे? अपनी मन मर्जी ते चल रहा है, बता तो देता एक बार, यू ड्रामा जोड़ रखा मैं, पता कौन है यार, यू ही बिजनेस कर रहा तू, इसके घर वाले तो कुछ जाते। पिताजी मैंने सारी बात कर रखी, इसके घर में इसका भाई है, उसकी रजामंदी से ही मैंने शादी करी। कितना रज्जी होके बता रहा, इसके घर में एक भाई है, उन्हें हाँ भर ली। अरे तेरे इस घर में भी तो मरते होंगे दो भाई, मेरे तरह कुछ जाते उनसे पूछ लेता, तू जाने ही से ये देखा था इसमें, देखियो करतालू गुनाट करू फिर जी, इन्हें बता दे कोई लफड़ा तो नहीं जुड़ने का। पिताजी आप परेशान ना हो, ऐसी कोई सी भी बात नहीं होगी, मेरे भाई ने मुझे खुद कहा था कि हाँ तुम शादी कर लो, और वो भी राजी है और मैं भी। पिताजी यो बाहर कंपनी खोलन ना गया था, यो तो शादी करन गया था, इसे भी तो घर में हिस्सा चाह। अरे बाबी कैसी बात कर रही है तू, मुझे ना चाहता हिस्सा। हिस्सा तुझे ना चाहता, हिस्सा हिस्सा चाह। मुझे क्यों चाहता हिस्सा? तुझे चाह पिताजी के पैसों में, मकान में और जमीन जायदाद में। हिस्सा? हिस्से की कौन सा टाल कर रहा है, सारी कुछ आ रहा है हिस्सा तो तुम्हें। पिताजी हिस्से की बात पहले इन्होंने करी, हमने ना करी, इनकी नियत में खोट है। नियत में खोट मेरे ना तेरे हैं और तेरे घर वाले की। बब्बी तो आधी बात तो ना पता, तो नहीं बोल रही। किस बात का नहीं पता? पिताजी तारे पीठ पीछे इनने 8 लाख रुपया कर्जा कर रखा, इसलिए अपना हिस्सा मांग रहा है, और उसे बेच के अपना कर्जा उतारेगा। भाई तुमने इतना कर्जा कर लिया, बताया भी नहीं। तुझे क्यों बताऊं मैं, तू तो अब तक खुद मेरे टुकड़ों पे पड़ा। अरे ये जो दूध का धुला बन रहा ना, इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा, यू सर मैंने पैसे दे पिताजी। अजी मेरे में क्या कमी थी जो आपने बाहर जाके मुंह मारा? मैं ना रहने की अभी इस घर में ना, मेरे बस किस घर में ऐसा रहना जो कहीं कहीं जाके मुंह मारते हो। क्यों रहना इस घर में तुझे? मैं क्यों रहूं इस घर में? किसी और औरत को मेरी सौतन बना के लाओगे तुम? तुझे शर्म नहीं आ रही? तू मेरे घर में आग लगा लगान, जी तो लगा तेरा खून कर दूंगी। खून कर दूंगा? लगाइए आग, मैं अभी से मार दूंगा।
ओ खुनी समझा तू इसे मार दियो तो हमारा काम फिर जेल में जाइयो फिर लम्बा तुम्हें छुटा गए या के सर हरी या और पूरी कर लो खाना और दिखाओ मुझे तुमने तो बिल्कुल हदी कर दी तुम तो एक दूसरे के दुश्मन हो रे अब तक तो मैं समझ कर रहा था तने मेरा थप्पड़ मार दिया और पिताजी जो भी मेरी तनख्वाह मुझे सारी चाहिएगी अरे अपना हिस्सा मुझे आज ही चाहगा ठीक है खेती में मैंने जो कमाया मुझे भी सारा पैसा चाहिए पिताजी अब तो तुम भी सुन रहे कुछ कही हो ना इन्हें ये क्यों बोल लेंगे कौन माँ बाप चाहे कि उसके बालक आपस में लड़े और सुन लो कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा ना चाहते तुम लोग जो अपना हिस्सा मांग रहे ये थारा हिस्सा दे भी देंगे और इन्होंने जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा क्या तुम उनका हिसाब दे दोगे के भाई तुम यहां क्यों खड़े यहां कोई तमस्या हो रहा चलो जाओ अपने घर ये जो तुम पड़ोसियों को तमाशा दिखा रहे हैं ना ये थारी बढ़िया बात ना है और पड़ोसी तो नू चावे इनके घर में कब झगड़े हो कब इनके बर्तन फूटे भाई ये जो ड्रामा दिखाया बहुत बढ़िया लगा ये दिन भूल गए तुम जब तुम छोटे छोटे खेलते करो थे इब तुम जमीन जायदाद देख रही हिस्से देख रहे अरे मेरे भी तो पूछ लेते मुझे भी कुछ चाहता होगा मेरे जी का पता था मैं तुम्हें क्यों कर पड़ा मैं तो नोट बता रहा तेरे नोट दे दू तेरे नोट एक मिनट में दे दूंगा और तेरे भी दे दूंगा पर मुझे एक बात बता दो मेरी बात को कौन सा पूरी करेगा जो मैं चाहूंगा तुम दे दोगे जो चाहना दे दूंगा नहीं पढ़ाई देता मैं एक दूसरे की जान के गाह को बन जाइयो पिताजी तारी खुशी की मारी मैं अपना दुख भूल गया पिताजी तुम दुखी ना हो तुम मेरे पास रहियो मुझे ना चाहता कुछ भी तेरे साथ क्यों रहते पिताजी हमारे साथ रहेंगे पिताजी हमें माफ कर दो हमें ना चाहिए कोई हिस्सा हमें ना करवाना बटवारा हमें माफ कर दो पिताजी कर दिए भाई भाई के मतलब का पता तुम है अरे भाई भाई दुख सुख में गए लो एक भाई को कोई दिक्कत आ जाए दूसरा काम ना आवे वो कुछ भाई बना नहीं उसका पर कोई कुछ कह दे उसे पर वो चुप रह जा वो भी भाई नहीं होता ये बंटवारे ये तो बहुत छोटी सी चीज है इसे तो कदी बांट लियो इसमें क्या दिक्कत है पिताजी अब हम क्या करें जिसमें प्रॉफिट हो प्रॉफिट ढूंढ रहा प्रॉफिट है मिलजुल के काम करो ये भी बिजनेसमैन बन रहा मालिक सोच रहा बना